आपको दुबई का वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच तो याद होगा जब अजहर अली पिंक बॉल क्रिकेट के पहले ट्रिपल सेंचुरियन बने थे, लेकिन पहली इनिंग्स में वाजे बर्तरी के बावजूद मैच कुछ ऐसी डिगर पर चला गया था कि पांचवें दिन तक वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतने की पोजीशन में आ गई थी। वेस्टइंडीज के डैरन ब्रावो जचे हुए थे और पाकिस्तानी बॉलर थके हुए थे। रात के खाने के वक्फे के बाद कप्तान मिसबाह उल हक ने हिकमत अमली बदली और पुराना गेंद वहाब रियाज को दिया, जिन्होंने मोहम्मद आमिर की शराकत में शॉर्ट पिच और बर्क रफ्तार बाउंसर्स के ताबड़तोड़ वार शुरू किए। इस पहल का असर यह हुआ कि दिन भर चट्टान की तरह डटे रहने वाले ब्रावो खौफ का शिकार दिखाई दिए और कुछ ही देर बाद एक आसान सी गेंद पर अपना बचाव करते करते कैच दे बैठे। इस मैच के स्कोर कार्ड पर यासर शाह छाए हुए थे, मगर ऐन मौके पर पांसा पलटा तो बिला शुबा वहाब रियाज के इस पहल ने ही पलटा था। हर कहानी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मरकजी स्टोरी लाइन में इस कदर अहम नहीं दिखाई देते, मगर अपने महदूद से किरदार में कोई ऐसा काम जरूर कर जाते हैं कि कहानी का रुख ही बदल जाता है। वहाब रियाज बजा कहते हैं कि अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा इन्हें अरब अमारात के विकेटों पर खेलना पड़ा, जहां फास्ट बॉलर सिर्फ मोमन अदाकार ही का किरदार अदा कर सकता है, मगर इस महदूद किरदार में भी वहाब रियाज ने कई ऐसे स्पेल फेंके हैं जिन्होंने कहानी में ट्विस्ट पैदा कर दिए थे। साबिक कोच मिकी आर्थर मगर इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए बरमला कह डाला कि वहाब रियाज ने 2 साल में एक भी मैच पाकिस्तान को नहीं जितवाया। इसी बिना पर वो टीम से ड्रॉप भी हुए, फिर महज व्हाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद होकर रह गए और धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचे कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की फेहरिस्त से भी खारिज हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के साथ ही वहाब रियाज ने भी टेस्ट क्रिकेट से गैर मुअय्यना ब्रेक लेने का फैसला किया था। इस फैसले के मुहर्रिकात जो भी थे, वहाब की राय सुने तो वो यही कहते हैं कि वो गुज़िश्ता टीम मैनेजमेंट से दिल गिरफ्तार हो चले थे। अब जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऐलान के कुछ ही रोज बाद वहाब रियाज टेस्ट क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर रहे हैं, तो इस पर चाय मगोया होना भी बिला जवाज नहीं है। बहुत लोगों को यही महसूस हो रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर वहाब को वापसी का फैसला करना पड़ा होगा, मगर वहाब रियाज की सुने तो वो इस बात पर मुसिर हैं कि उनके फैसले की वजह मौजूदा मैनेजमेंट जहां वकार यूनस और मिसबाह उल हक वहाँ हैं कि इंग्लिश कंडीशंस में वहाब रियाज के तजर्बा का फायदा उठाया जाए। मिसबाह की क्यादत में खेली गई आखिरी पाक इंग्लैंड सीरीज को अगर जहन में लाएं तो ये बात जहन में आएगी कि मिसबाह ने खुद वहाब को वापसी पर कायल किया होगा, क्योंकि जिस कदर तजर्बा इनके पास है इंग्लैंड की सीमित विकेटों पर पुराने गेंद के साथ इनकी बर्क रफ्तार रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के लिए ट्रंप का पत्ता साबित हो सकती है। पिछली एशेज के हेडिंगले टेस्ट को जहन में लाएं और जरा तसव्वुर करें कि आखिरी 2 सेशन बाकी हों और बेन स्टोक्स जैसा कोई पुरअज़म जवान डटा हुआ हो जो किसी के हाथ ना आ रहा हो, तो वहाब रियाज की स्पीड यकीनन पाकिस्तान के काम आ सकती है। मिसबाह उल हक कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान को खसारा ये होगा कि पाकिस्तान ने तवील अरसे से किसी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली होगी, जबकि इंग्लैंड इस सीरीज से एन पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भरपूर टेस्ट क्रिकेट खेल चुका होगा। ये पहलू अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब हालिया चंद फैसले देखे जाएं तो यूनस खान और मुश्ताक अहमद के तकर्र से लेकर वहाब रियाज की वापसी तक सभी फैसले मुस्बत दिखाई देते हैं। अगर यही मुस्बत पसंदी का रुझान जारी रहा तो बईद नहीं कि इस सीरीज का नतीजा भी पाकिस्तान के लिए मुस्बत ही निकल कर आए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।